अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? पीछे वाले बच्चे को इग्नोर करें। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान निहारी। निहारी जो है बहुत से लोगों की फेवरेट होती है और मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोग ही हैं जिनको निहारी नहीं अच्छी लगती। ज़्यादातर लोग जो है निहारी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सुबह नाश्ते में लोग खाते हैं अक्सर, ज़्यादा नाश्ते में नहीं खाते। दोपहर के खाने में खानी आप लोगों ने खा लिया, रात के खाने में खानी है वो आप लोगों को मर्जी है। लोग निहारी बनाते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि पता नहीं हमारी निहारी अच्छी बनेगी कि नहीं, पता नहीं ये चीज़ वो, ये चीज़ कम है, वो चीज़ कम है, मसाले क्या डालें, ये करें वो करें। उस चीज़ में ना हमारी जो है अक्सर हमारी रेसिपी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि ठीक से समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें क्या नहीं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत ही तफसील से सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप आप लोगों ने फॉलो करने हैं, तो आपकी पहली दफ़ा मैंने हरी जो बनाएगी ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधा अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो निहारी मसाला बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है निहारी मसाला। निहारी मसाला कुछ लोग जो है बाज़ार का मंगवा के वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो मैंने मसाला बनाया हुआ है ये घर का बना हुआ मसाला है। ठीक है, इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, जो जिन जिन चीज़ों से ये बनता है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है सारी चीज़ें अवेलेबल तो आप रेडीमेड जो बाज़ार का मसाला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। घर का मसाला ये होता है कि घर के मसाले की बनी हुई निहारी ज़्यादा मज़ेदार होती है। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे आप वो ले लें। ठीक है, ये मैंने लिए हैं 4 खाने के चम्मच। ठीक है, 4 टेबल स्पून ये मैंने लिया है निहारी मसाला। उसके बाद इसमें सारा कुछ ऐड है, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, सौंठ, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी और सौंफ, ये सारी चीज़ें जो हैं इस मसाले के अंदर ऐड हैं, इसलिए मुझे अलग से इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ये सब कुछ मिक्स हुआ है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने लिया है जी ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये है 2 खाने के चम्मच। ठीक हो गया, चिकन मैंने लिया है 1 किलो, जितना आपका चिकन है उस हिसाब से आपने मसाला ले लेना। 1 किलो चिकन है तो 4 टेबल स्पून मैंने ये सारे जो मसाले पीसे हुए थे उनके ले लिए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ऐड करें, अगर आपके पास कम है तो कम। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये बाद का सामान है, जब ये निहारी बन जाएगी ना तभी हमने इसके ऊपर जो है जो डालनी है सारी चीज़ें, ये वो सारी चीज़ें हैं। इसमें बारीक कटी हुई अदरक है, लेमन है, पुदीना है और हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। ठीक है, हरी मिर्च, अदरक की, लेमन, ये 3 चीज़ें तो होती ही मस्ट है निहारी के ऊपर ऐड करने के लिए। पुदीना आप ऐड कर सकते हैं, मज़े का लगता है वैसे, अगर आपने डालना तो डालें, नहीं डालना तो कोई बात नहीं। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मैंने लिए थे प्याज, इसको हम लोगों ने करना है फ्राई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। हमने सबसे पहले जो है चिकन को फ्राई करना है निहारी मसाला और लहसुन अदरक ऐड करके। अच्छा जी, तो हम लेंगे सबसे पहले ऑयल हम लोगों ने लेना है थोड़ा सा ज़्यादा, नॉर्मल जो हम हांडी बनाते हैं ना उससे हमने थोड़ा सा ज़्यादा लेना ऑयल। ठीक है, हम सबसे पहले थोड़ा सा है लहसुन अदरक जो है उसको ऐड करके हल्का सा इसको वो करेंगे, फ्राई करेंगे ताकि जो है इसकी स्मेल वगैरह वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। बस इतना सा जो है 1 से 2 मिनट तकरीबन हमने लहसुन अदरक को जो है थोड़ा सा फ्राई कर लिया और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को एक बात आपने याद रखनी है कि चिकन को जो है अच्छे से आपने फ्राई करना है। सेम प्रोसेस आप लोग बीफ निहारी, मटन निहारी, ज़्यादातर लोग बीफ निहारी जो है वो खाते हैं, लेकिन हमारे घर में जो बीफ कोई भी नहीं खाता है, इस वजह से मुझे चिकन निहारी बनानी पड़ती है। तो आप लोग इसकी जगह मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी ईद आने वाली है तो मटन बीफ तो होगा आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने जो है मटन या बीफ जो भी है आपके पास आपने उसकी निहारी बना लेनी है। अच्छा जी, तो चिकन तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट फ्राई किया था। अब मैं इसके अंदर ये जो मसाला था निहारी मसाला ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। दोबारा चिकन जो है मैंने यहाँ पे अच्छे से भून लिया है, 5 से 6 मिनट मैंने तकरीबन भुना है। और ये वाला कप तो आप लोगों के घर में इजीली अवेलेबल होता है, नहीं है तो आप लोग ग्लास ले लें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चिकन है ये बहुत जल्दी गल जाता है, हम लोगों ने इसके अंदर 3 कप ऐड करने हैं पानी। अगर आपके पास मटन है या बीफ है तो आप उसके अंदर 4 से 5 ग्लास ऐड करें। ठीक है, प्रेशर कुकर में अगर आपने बनानी है उसको गलाना है गोश्त को, तो आपने उसके अंदर तकरीबन 2 से 3 ग्लास पानी, जो बीफ या मटन अगर आपके पास है ना, तो डाल देने ये 2 और ये 3।
अच्छा जी, तो पानी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है और अब हमने करना क्या है, इसको कर देना है कवर और इसको पकाएंगे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास मटन या बीफ है तो 30 से 40 मिनट भी लग सकते हैं। हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके इसको हम पकाएंगे। जब तक ये जो है हमारी निहारी वो पक रही है, हम लोग फ्राई कर लेंगे प्याज। हाँ जी, तो हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है फ्राई पैन में, और आज हमारे उसको हमने करना है क्या करना है, हमने इसको हमने ब्राउन करना है। हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, काला नहीं करना है प्याज को, हमने करना है बादामी सा जो रंग होता है ना, वो हमने प्याज का करना है, ठीक है, ताकि जब हम इसको निहारी के अंदर डालें तो हमारी जो निहारी का रंग है वो काला ना हो। अच्छा जी, तो जब तक हमारे प्याज जो है फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ मैं ये आटा जो है आधी प्याली मैंने लिया है, ये देखें आधी प्याली जो मैंने आटा लिया है इसको भी हम भून लेंगे। आप तवे पे इसको अच्छे से, पहले तवे को अच्छे से गर्म करें, ठीक है, उसके ऊपर ये आटा डाल के इसको हमने जल्दी जल्दी चम्मच हिलाना है ताकि हमारा आटा जले ना। हल्का हल्का सा हमने इसको भूनना है और इसको हल्का सा ब्राउन कलर देना है, ठीक है, ब्राउन कलर, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, बस इसका जो थोड़ा सा कलर चेंज होगा हमने इसको उतार लेना है, ठीक है। और ये प्याज जो है ये आप देखें इतने क्रिस्पी से हो गए हैं, तो आपने प्याज को जो इस तरह से फ्राई करके साइड पर रख देना है। जो हमने आटा लिया था उसको हमने उसका कलर चेंज करके, और अब हम इसका बना लेंगे पेस्ट जो हम बाद में डालेंगे निहारी के अंदर। तकरीबन इतना सा हमने पतला कर लिया है पेस्ट को, बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा नहीं रखेंगे, थिक वाला नहीं रखना, हमने इसको पतला इतना ही करना है। ये देखें बिल्कुल पानी की तरह पतला पतला सा इसको मैंने मिक्स कर लिया है पानी के अंदर आटे को, तो अब हम ये निहारी के अंदर ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो हमने 20 से 25 मिनट के लिए अपनी जो निहारी थी उसको हमने पका लिया था। ये देखिए चिकन अच्छे से गल गया है इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, जो ये मिक्स किया हुआ आटा था जो हमने पानी के अंदर मिक्स किया था, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है और मिक्स करते जाना। पहले हम चेक कर लेंगे कि कितना सा थिक हो गया ये, अगर पतला सा रहा, अभी जैसे पतला है ये, तो मैं इसके अंदर और ऐड कर दूँगी, कर दिया है इसमें, और अब चेक करेंगे कि ये कितना थिक हुआ है। अच्छा, मैं जो है निहारी थोड़ी सी ज़्यादा थिक बनाती हूँ, आप अगर चाहें तो थोड़ी सी इसको पतली भी रख सकते हैं। मैं जो खुद जो घर के लिए बनाती हूँ ना, वो थोड़ी सी थिक बनाती हूँ निहारी, आप चाहें तो इसको पतली भी कर सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ी सी ज़्यादा थिक चाहिए थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया है, ये पेस्ट तकरीबन थिक हो गई है, बहुत इतनी काफ़ी है थिक। तो अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। 2 मिनट के लिए हमने इसको जो है पकाना है, ठीक है, ताकि जो हमने इसके अंदर आटा ऐड किया है वो अच्छे से पक जाए, वो भी उसका भी कोई त्वचापन या स्मेल स्मूल ना आए आटे की बिल्कुल भी। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया है, चूल्हे को हमने कर देना है बंद और इसको हम निकाल लेंगे बाउल में। इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है, लेकिन इसके ऊपर जो आटा डालने से जो तरी थी वो हो गई है ख़त्म, और अब हमने जो है ऑयल का तड़का लगाना है, वो उसके ऊपर डालेंगे और इसकी तरी भी बन जाएगी। एक तो अगर आपको इसके ऊपर तरी रखनी है तो आपने जो है आप इसमें बेशक ऑयल का तड़का लगा लें, वरना अगर नहीं आपने रखनी है तो बहुत थोड़े से कम से ऑयल में इसका आप तड़का लगा लें, ठीक है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे था ऑयल प्याज जिसमें मैंने किए थे ब्राउन, वो उसका उसके अंदर ही मैंने क्या करना है, इसको पहले हमने करने हैं कर लेना है अच्छे से गरम, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इसको गरम कर लेना है। ठंडे ठंडे तेल में हमने कुछ भी नहीं ऐड करना है इसके अंदर, इसको पहले हम कर लेंगे अच्छे से गरम। तो अच्छे से ये हो गया है गरम, अब मैंने इसमें डाला है तकरीबन ये आधे से भी बहुत सारा कम हल्दी डाली है इसमें, ठीक है, ताकि जो हमारी तरी का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और इसमें मैंने और क्या डालना है, हमने इसमें डालना है आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। 5 से 6 सेकंड के लिए हमने इसको जो है हल्दी और जो लाल मिर्च डाली है उसको हमने कर लेना है गरम, और अब हम इसको बाउल के अंदर ऐड करेंगे। और ये जी हम इसको लगा देंगे हल्का हल्का सा, और जो है निहारी बनाते हुए सबसे मज़े का सीन ये होता है जब हम इसे गर्म गर्म ऑयल ऐड करते हैं ना, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। हम इस पर थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे, बाकी जिसको हंसपे जायका जिसको अपनी प्लेट में डाल के जितनी ऊपर चीज़ें ऐड करनी होती हैं, जो क्या नाम है अदरक वगैरह लेमन वगैरह और
पुदीना हरी मिर्च जो भी जितना चाहिए होता है वो उतना ऐड कर ले। और प्याज जो हमने फ्राई किए थे वो भी हम इसके ऊपर थोड़े से ऐड कर देंगे। और बाकी जिसको अपनी प्लेट में जितनी जितनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं वो ऐड कर लेता है। मज़ेदार सी नहारी की जो रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, आई होप आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। बहुत आसान तरीका है बनाने का इसको। जितनी देर में आपने चिकन फ्राई करके मसाला डाल के इसको आपने पकाने के लिए रखना है, उतनी देर में आपने बाकी सारी चीज़ें कर लेनी है, जैसे हरी मिर्च वगैरह, अदरक वगैरह काटना है, सारा कुछ एक प्लेट जो हमने तैयार करनी है, मसाला ऊपर से जो चीज़ें ऐड करने के लिए, प्याज वगैरह फ्राई करने हैं, आटा वगैरह उसको भून लेना है। ये हमने इतनी सी देर में 20-25 मिनट में हमने बाकी सारा कुछ कर लेना है, ठीक है। और दूसरा सबसे जो मेन चीज़ होती है ना इसकी, बनाना इसको बहुत आसान है। जो मेन चीज़ होती है इसके मसाले होते हैं। मसाले आप लोगों ने जो है अच्छे डालने हैं, जितना अच्छा आपका मसाला होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी निहारी बनेगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जी। तो आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आप लोगों ने चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।